केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हुड्डा सिटी सेंटर से मेट्रो के विस्तारीकरण को मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में 5400 करोड़ की राशि खर्च करने का अनुमान है, तो 4 साल में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम वासियों की काफी पुरानी मांग थी कि पुराने गुरुग्राम को भी मेट्रो लाइन से जोड़ा जाए, जिससे कि उनका सफर भी आसान हो सके। डीसी गुरुग्राम की माने तो जल्द ही इस मामले को लेकर डीएमआरसी के अधिकारियों के साथ मीटिंग की जाएगी और मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जमीनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। डीसी की माने तो मेट्रो के अलाइनमेंट के हिसाब से ये अधिग्रहण किया जाना है, जिसके लिए प्रयास किया जाएगा कि सरकारी जमीनों पर ही यह अधिग्रहण किया जाए। 28.5 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट में 27 मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित हैं, जिसमें सुभाष चौक, हीरो होंडा चौक, सेक्टर 37, बसई, सेक्टर 4, सेक्टर 5, कृष्णा चौक, रेजांगला चौक, पालम विहार होते हुए ज्वाला मिल पर मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। पुराने शहर गुड़गांव में मेट्रो की लाइन आने से, मेट्रो बिछाने से, चलाने से बहुत फायदा होएगा। जो लोग नए गुड़गांव से यहाँ आते हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है, खासतौर से मंदिर में मैट्रिमोनियल सर्विसेज के लिए लोग दिल्ली से आते हैं, उनको भी मेट्रो का सहारा मिलेगा, आने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से पैसे ज़्यादा खर्च होता है, पहले सिकंदरपुर जाओ या हुड्डा सिटी जाओ, वहाँ से पकड़ो ट्रेन फिर जाओ। यहाँ लोकल ट्रांसपोर्ट भी नहीं मिलती, लोकल बस भी नहीं चलती। उस वजह मेट्रो आने से गुड़गांव वासियों को, खासतौर से गीता भवन में आने वाले लोगों को बहुत फायदा होगा। गुरुग्राम में मेट्रो के एक्सपेंशन का जो प्रोजेक्ट था उसको मंजूर किया है और ये एक बड़ा ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है भारत सरकार का और हरियाणा सरकार का। टोटल इसमें लगभग 5400 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। टू बी प्रसाइज ये 28.5 किलोमीटर की लेंथ होगी और इसमें 27 मेट्रो स्टेशंस आएंगे। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो जो गुरुग्राम के एक हिस्से तक ही अभी मेट्रो कनेक्टिविटी थी उसको पूरे गुरुग्राम में एक्सपेंड करना है, जिसमें विशेष करके जो आप सुभाष चौक है, फिर हीरो होंडा चौक है, उसके बाद बसई गांव हो गया और उधर से ले जाकर के द्वारका और साइबर हब तक जो है इसको कनेक्ट करना है। दरअसल 2014 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मेट्रो के विस्तार का मुद्दा काफी अहम था, लेकिन धीरे धीरे ये महत्वपूर्ण मुद्दा मंद पड़ता गया। 2019 के चुनावों में फिर से मनोहर और मोदी सरकार ने मेट्रो के विस्तार को अपने घोषणा पत्र में शामिल कर 2022-23 तक मेट्रो के विस्तार का दावा किया, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। अब फिर 2024 से पहले मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दी गई है और दावा इस बार भी 4 साल का किया जाने लगा है। गुरुग्राम वासियों को भी मेट्रो की सौगात मिलेगी। डीसी गुरुग्राम की माने तो जल्द ही डीएमआरसी के अधिकारियों के साथ मेट्रो के प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग की जाएगी। जमीनों के अधिग्रहण और अन्य मदद के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से मेट्रो का ये विस्तार काफी महत्वपूर्ण होने वाला है।